डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री का जिम्मा संभालने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बीजेपी नेता आमतौर पर आलोचना करते नहीं थकते, लेकिन गुरुवार को बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले संसद का ये आखिरी सत्र चल रहा है, जिसमें पीएम मोदी ने रिटायर हो रहे सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इसी बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो उसमें मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा जरूर होगी। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण। वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें।
गौरतलब है कि जून 1991 में सरकार के सामने उस वक्त भारी संकट आ गया था जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था। हालत ऐसी थी कि सिर्फ $1 अरब की रकम बची हुई थी। इससे देश सिर्फ 20 दिनों का तेल और खाने का सामान ही मंगा सकता था। इसके अलावा मोटा विदेशी कर्ज अलग से गले तक आ पहुंचा था। ये वो वक्त था जब देश में चंद्रशेखर की सरकार थी। वो नवंबर 1990 से जून 1991 तक कुल 7 महीनों के लिए ही देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लगा कि भारत विदेशी कर्ज तय समय पर नहीं चुका पाएगा और डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। इस दौरान राव सरकार ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर तुरंत कई आर्थिक सुधार किए और फैसले लिए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा फेरबदल हुआ और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। इसके बाद न सिर्फ विदेशी मुद्रा का भंडार भरा बल्कि गिरवी रखा सोना भी भारत वापस आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।